इसमें से कुछ प्लेटें बेकार होती हैं क्या ये? तो बेकार कैसे मतलब कुछ एकदम डेड हो जाते हैं, पानी वगैरह ये कबाड़ कुछ कबाड़ की। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं अमन स्टूडेंट हैं और ये काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, कम से कम 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का, 3 साल हो गया, 3 साल प्लस हो गए तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखे हुए। और आज ये इनकी शॉप है, इनका जो दुकान पड़ता है वो झिझक में है, झिझक जो पड़ता है कानपुर से अगर देखा जाए तो 60 से 70 किलोमीटर दूर है राउंड फिगर में, तो 60 से 70 किलोमीटर दूर इतनी दुकान अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चलाते हैं। पहले इनके पापा का पीसीओ था, रंजन पीसीओ करके बहुत फेमस है पूरे झिझक के अंदर, तो फिर उन्होंने ये काम सारा इनको दे दिया। ये पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, फिर उन्होंने बोला कि आप जॉब को छोड़िए, आप अपने काम पे आइए, फिर इन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद आज अपना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को चला रहे हैं। और हम लोग आज इनकी शॉप पे आए हैं कि देखें कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं जो लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं सीख लेते हैं, तो सीखने के बाद हम उनकी दुकानों पर जाते हैं, उनकी शॉप पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, ताकि मेरा सिखाने के बाद बच्चों को साथ में क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ताकि हमारे जो नए और भी जो सीखने के लिए आने वाले हैं या सीख करके जाएंगे अपना बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट को अच्छी तरीके से ट्रेन करके पूरा भेजते हैं, ट्रेन करने के साथ साथ उनको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और सपोर्ट भी मिलता है। तो अमन जी बताइए आप कैसा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और मैं कोई भी प्रॉब्लम आती है सर के पास हम जाते हैं आराम से, सर हमको उस प्रॉब्लम का सलूशन भी देते हैं, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करके हमारा मेरा काम करवाते हैं वो। हाँ तो आनंद जी मेरे पास आते भी रहते हैं कभी भी, जब उनको 15-20 दिन में मार्केट के लिए आते रहते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आनंद जी के द्वारा कम से कम मेरे पास 10 से 12 स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं और आज वो लोग भी अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और कोई भी जब झिझक का सीखने वाला बंदा होता है तो मैं सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि अगर आप हमारे पास ट्रेनिंग लेना आना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है कोई अगर समस्या है कोई चीज़ के बारे में समझना चाहते हो तो मेरे पास आने से पहले आप अमन के पास चले जाओ या रंजन पीसीओ करके बहुत फेमस शॉप है, आप वहाँ पर चले जाइए, मेरे बारे में पूछ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग सिखा कर कैसे काम कराते हैं, तो मैं उनको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चा, जब देखो कहते हैं जिंदगी में टीचर कभी नहीं सफल होता है, टीचर तभी सफल होता है जब उसका बच्चा सफल होता है, बच्चा अच्छी तरीके से काम करे। तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो भी सारे स्टूडेंट लोग जो सीखने के लिए आते हैं वो पूरा अच्छी तरीके से सीख कर जाए, बढ़िया तरीके से काम करें, उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना है। तो आप सर सारी शॉप को दिखा दीजिए, देखिए कितना सारा रिपेयरिंग का काम होता है, इन्होंने रिपेयरिंग के चक्कर में और जितना भी सारा काम था सब चीज़ों को काम कर दिया, सिर्फ रिपेयरिंग रिपेयरिंग करते हैं, पूरा दिन के अंदर रिपेयरिंग करते हैं। छोटे छोटे कीपैड मोबाइल फ़ोन जैसे बहुत सारे इनके पास सर्विस सेंटर भी हैं जो इनके पास मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं, तो ये सर्विस सेंटर का भी काम करते हैं, अपने अंदर सर्विस सेंटर भी ले रखा है, तो 5-10 मोबाइल फ़ोन सर्विस सेंटर के आ जाते हैं जिससे इनको पर मोबाइल फ़ोन में कंप्लेंट के तौर पर देखा जाए तो 50-80-100 रुपये 200 रुपये ऐसा मिलता है चार्ज, और जो पसली मोबाइल फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए तो उसका भी अपना चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके से आनंद को कम से कम एक दिन के अंदर 1,000-1,500-2,000 रुपये 2,500 रुपये की रिपेयरिंग आराम से कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा जो है एक दिन का लगभग एक दिन मैंने लगभग 10,000 का काम किया था, एक दिन के अंदर 10,000 रुपये की रिपेयरिंग करी थी। तो पहले उस दिन टारगेट लगाया था कि आज का काम करना है मुझे, हाँ 10,000 का एक दिन कर दिया मैंने। तो एक दिन के अंदर समझ लीजिए हमारे एक स्टूडेंट है उन्होंने 10,000 रुपये की रिपेयरिंग, प्रॉफिट होगा 4 या 5, 4-4.5 के आसपास प्रॉफिट होगा। हाँ तो मतलब 10,000 रुपये का टोटल काम किया जिसमें 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट निकल कर गया। वन डे बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करें, ऐसे ही आगे बढ़े और अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए, और भविष्य में अगर कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।